गुड आफ्टरनून गाइस, आज हम यहाँ आए हैं अमृत सरोवर पार्क एट नारंग विलेज इन मैलानी। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा मिलेगा अमृत सरोवर का। यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करने आए हैं और देखिए यहाँ पे एक ब्रिज छोटा सा दिया हुआ है और अंदर पानी भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत बढ़िया गार्डनिंग भी करी गई है और ये जस्ट फॉरेस्ट के पास में बना हुआ है और पीछे खेती हुई रखी है। एंड यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा इसमें भी पानी का काम चल रहा है और आगे कुछ रात में लाइटें भी जलती हैं। यहाँ पे ये देखिए झंडा फहराने के लिए स्थान बना हुआ है और यहाँ पे ये कार का नाम है घसैया अमृत सरोवर निर्माण, जो कि थोड़ा पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल रोड बना हुआ उसी पार्क के अंदर। यहाँ पे मॉर्निंग में लोग वॉकिंग के लिए एक्सरसाइज के लिए आते हैं। एंड इसमें अपना यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, छठ पूजा वगैरह। आप भी यहाँ आ सकते हैं एंड ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये हमारे नारंग गांव से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि फॉरेस्ट से बहुत नज़दीक है। एंड यहाँ पे रेस्ट के लिए कुछ बेंचेस भी पड़ी हुई हैं, जो कि बहुत अच्छे मटेरियल से बनी हुई हैं। एंड अगर आप यहाँ नाइट में आते हैं तब भी बहुत प्यारा व्यू आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे जो गार्डनिंग करी गई है बहुत अच्छे अच्छे पेड़ों के साथ मैनेज किया गया है इसका गार्डन। तो मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे आएँ और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें। बहुत ब्यूटीफुल नेचर है यहाँ का। थैंक यू गाइस।